7 अगस्त 2021 टोक्यो जापान। नीरज चोपड़ा ने अपना भाला 36 डिग्री पर फेंककर भारत को एथलेटिक्स में पहला स्वर्ण पदक दिलाया। 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दुनिया की सबसे बड़ी तोप ने 130 किलोमीटर दूर गोला 55 डिग्री पर फेंका। इन दोनों इवेंट्स को देखकर ऐसे लगता है कि क्लासरूम से बाहर की जिंदगी साइंस और मैथ के कुछ अलग ही नियमों पर काम करती है। करिकुलम के अनुसार तो प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पर फेंके तो सबसे ज्यादा दूर जाती है, लेकिन नीरज ने अपना भाला 45 से कम और बंदूक ने अपना गोला 45 से ज्यादा पर ताका। बड़ी नाइंसाफी है। करिकुलम और रियल लाइफ की इसी दूरी को दूर करने के लिए CBSE और IIT गांधीनगर टीचर्स डे के दिन एकलव्य सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि हमारी नई शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 और PISA दोनों ही इन्हीं मुद्दों पर जोर देने की बात कर रहे हैं। एकलव्य में हम ढेर सारे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, मॉडल्स और प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जिनसे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़े। इंटरेस्टिंग, दिमाग की बत्ती जला दें, ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिससे आउट ऑफ बॉक्स क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप हो। और लोकली अवेलेबल मटेरियल से ऐसे इंगेजिंग प्रोजेक्ट्स करेंगे जिससे साइंटिफिक टेम्पर विकसित हो। ऐसा करने से नीरज चोपड़ा के भाले का ज्ञान, तोप के गोले का विज्ञान और प्रोजेक्टाइल के सिद्धांत का समाधान सब अपने आप हो जाएगा। तो जुड़िए हर रविवार 4 से 5, लॉकडाउन में भी लर्निंग पर ना आने पाए आज। बच्चे, टीचर्स और पेरेंट्स सभी के लिए गणित और विज्ञान समझने का एक अनोखा प्रयास। और आपको ये भी पता चलेगा कि गुब्बारे की हवा पीकर गौरव की आवाज का ये हाल क्यों और कैसे हो गया।